कभी सोचा है आपने कि अगर मम्मी नहीं होती तो हम लोग अपना इतना सारा गुस्सा निकालते कहाँ? बचपन से मुझे उनकी हर एक बात पे गुस्सा ही आया है, चाहे वो पढ़ने के लिए बोलना हो या फिर पड़ोसी के घर जाकर नमकीन और बिस्किट न खाने की नसीहत हो, और फिर चाहे शादी के लिए बोलना हो और फिर पहले बच्चे के लिए, अगर गलती से पहला बच्चा हो जाए तो फिर दूसरे बच्चे की जिद करना हो। अब मुझे उनकी हर एक बात पे रोज़ गुस्सा आता है। डायबिटीज़ इतना है कि दिन भर में 3 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाती हूँ, लेकिन फिर भी आम खाना है तो खाना है, कोई उनको रोक नहीं सकता। आम खाने के लिए मना करो तो हर बार का वही सेंटी डायलॉग कि अब बेटा खाने दो आम, हमारे पास साल ही कितने बचे हैं। इस बार तो जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने भी हड़का दिया कि माता जी मीठा जहर है आपके लिए, छोड़ दीजिए मीठा खाना। लेकिन मम्मी कहाँ मानने वाली है। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हर बार बोलती हैं कि हमारे मरने के बाद पूजा में 2-3 पेटी आम ज़रूर रखवा देना, वो भी सस्ता वाला नहीं, अल्फोंजो। मैंने कहा यार मम्मी एक बार आप पूरी लिस्ट बना के दे दो क्या क्या पूजा में रखवाना है। तो बताने लगी कि एक कैमरे वाला फ़ोन रखवाना जिसमें हाईफाई हो। नहीं घबराइए मत, वो वाईफाई को हाईफाई बोलती हैं। तो मैंने पूछा यार क्या करोगे कैमरे वाले फ़ोन का? तो बताने लगी कि ऊपर से जाके वीडियो कॉल करेंगे तुम लोगों को। मैंने एक बार पूछा मम्मी यार एक बात बताओ, यार मरने के बाद सपने में आके डराओगी तो नहीं ना? तो बोली कि नहीं ऐसे तो नहीं डराएंगे, लेकिन अगर आम खाने नहीं दोगे ना तो पक्का आके डराएंगे। ये थोड़ा अजीब है लेकिन मैं मम्मी से उनके मरने की बहुत सारी बातें करता हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे अपनी सारी बातें पूरी कर लूँ ताकि वो आराम से मर पाए। अब मम्मी मेरी हो या आपकी, वो हमेशा तो नहीं रहने वाली, एक ना एक दिन तो उनको जाना ही है। और मुझे जब भी वो रात में खास के उठती हैं तो बहुत डर लगता है। मुझे उन पर इस बात का भी गुस्सा आता है कि वो एक दिन मुझे छोड़ के चली जाएंगी, और उससे ज़्यादा गुस्सा इस बात का आता है कि फिर मैं इतना गुस्सा किस पे करूँगा। हमारा सारा गुस्सा बस हमारी मम्मियाँ ही झेल सकती हैं। मुझको मालूम है कि साल में एक दिन मदर्स डे मनाने का कोई मतलब थोड़े है, लेकिन साल में एक भी दिन मदर्स डे न मनाने का भी कोई मतलब थोड़े है। तो सोच क्या रहे हैं, फ़ोन उठाइए और कॉल करिए अपनी मम्मी को। आप भूल सकते हैं लेकिन उनको अच्छे से पता है कि आज मदर्स डे है, और वो ज़रूर आपकी कॉल का वेट कर रही होंगी। हैप्पी मदर्स डे। बताना मत बाबा से कि दादी आम खाएंगे।